रामपुर थाना कोतवाली क्षेत्र में तीन लाइनमैन संविदा कर्मी 11,000 केवी की लाइन पर काम करते में लाइन चालू करने पर हुए हादसे का शिकार। थाना कोतवाली क्षेत्र में मस्जिद जहीरुद्दीन थाना कुंडा पर रात के समय ट्रांसफार्मर फूकने पर बिजली विभाग के संविदा कर्मी जला हुआ ट्रांसफार्मर हटाकर नया ट्रांसफार्मर लगाकर तीन कर्मचारी काम कर रहे थे। उसी समय अचानक 11,000 केवी की लाइन पर सप्लाई चालू होने से तीनों कर्मचारी करंट की चपेट में आकर नीचे गिर गए। अचानक हुए हादसे से हड़कंप मच गया और मोहल्ले के लोग मौके पर जमा हो गए और फौरन ही तीनों घायलों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल कर्मचारियों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती, ना ही ग्लव्स और ना ही एक भी उपकरण तक उपलब्ध कराया है। कहा, विभाग पूरी तरह लापरवाही करते हुए जान से खिलवाड़ करता। घायल कर्मचारियों में अजीज पुत्र नबी अहमद निवासी कोठी खासबाग उम्र 40 वर्ष, शिव कुमार कश्यप पुत्र सोमपाल निवासी इंदिरा कॉलोनी 22 वर्ष और फैसल हसन पुत्र मकसूद हसन निवासी खारी कुआं धोबिया वाली गली 31 वर्ष है। फिलहाल तीनों कर्मचारी जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम फैसल हसन। क्या घटना घटी? सर मैं ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे थे, ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, एसटी दे रहा था उसको, एकदम पता नहीं कहाँ से बैग आई, उसने हम तीन लोग हम काम कर रहे थे तीनों को फेंक दिया बुरे तरीके से, और मेरे पैर में निकला है थोड़ा सा जख्म हो गया और बैक साइड में कूले में। तो अधिकारी वगैरह लोग आए? हाँ सर, एसडीओ साहब थे, आए थे और वहाँ जहाँ साइड पर मैं काम कर रहा था वहाँ जय साहब और मेरे नोडल अधिकारी मौजूद थे उस वक्त, जिस वक्त मेरे साथ ये हादसा हुआ। आप लोगों को कोई सुविधा वगैरह दी गई? नहीं सर, ऐसी तो कोई सुविधा नहीं दी गई है, कोई टूल की किट नहीं है हमारे पास, दास्ताना नहीं है, सेफ्टी कोई चीज़ नहीं है। तो आपने अधिकारियों से कहा तो उन्होंने कुछ नहीं? अरे सर, हमने हमारा एक कंपनी को ठेका हुआ है उससे हमने कहा था कि हमें सर ऐसा जेई साहब से भी कहा था तो बोले हम मंगा कर दे देंगे आपको, सुविधा करा देंगे, अभी तक तो सब कुछ मिला नहीं है। अभी तक कोई भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया? जी जी जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिव कुमार कश्यप है। क्या घटना हुई है आपके साथ? सर हम 11,000 की लाइन पे काम कर रहे थे, अचानक कहीं से बैग आई, तीन लोग काम कर रहे थे, हमें ऐसा करंट सा लगा कि हमें तीनों की आंखें बंद हो गई, हम नीचे गिर गए। अच्छा, कहाँ का मामला है? सर मस्जिद जहीरुद्दीन। तो आप जब लाइन पे काम कर रहे थे तो लाइन बंद नहीं की गई थी? सर लाइन तो बंद थी, पता नहीं कहाँ से करंट आ गया। आप विभाग की तरफ से आप लोगों को ही देखने आया? सर आए थे देखने। कोई सहायता वगैरह? सर कुछ नहीं। क्या नाम है आपका भाई? वसीम। क्या है पूरा मामला, जो बिजली वाले कर्मचारी को चोट लगी? सर ट्रांसफार्मर फूक गया था मस्जिद जहीरुद्दीन का, तो हम ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए गए थे वहाँ पे, और जब मौके पर हम पहुँचे तो ट्रांसफार्मर लगवा के हमने जंपर कर रहे थे 11,000 का, 11,000 के दो जंपर कट चुके थे, तीसरा जंपर जब हम कर रहे थे तो उस पर पेक आ गया, कर्मचारी ऊपर ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे थे खड़े हुए, उनके तीनों पे पेक करेंट मारे और तीनों मौके पे फौरन तुरंत ही उसी टाइम ही दिखे, और जो था वो इसमें हबड़ा दबड़ी में इनको उठा कर अस्पताल ले गए, और मौके पर यहाँ पर जेई साहब भी मौजूद थे वहाँ पर, अपने विश्वनाथ जेई साहब और नोडल अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने शबाद गेट वाले स्टाफ को बुला के सब और जेई साहब शबाद गेट वाले आने के बाद में वहाँ से हम मौके पर थे अस्पताल लेके भाग। विभाग की तरफ से क्या आपको सुविधाएँ दी गई? विभाग की तरफ से साहब बस क्या बताया जाए आपको, कुछ सुविधा नहीं है, बस ना ग्लव्स हैं, ना प्याज हैं, ना तार है, तार भी भीख मांग मांग के काम करना पड़ता है। तो और यहाँ पर जब ये घटना घटी तो अधिकारी नहीं आए आपके? ना सब आए, एसडीओ साहब भी आए, जेई साहब भी थे, मौके पर सब थे यहाँ पर।